नमस्कार, सन्मार्ग में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं पुरुलिया से तृणमूल उम्मीदवार डॉक्टर मृगांक महतो। लोकसभा चुनाव को लेकर के जानते हैं क्या कहना है मृगांक महतो का। तो दादा, सबसे पहले ये बताइए, आप इतने दिनों से प्रचार कर रहे हैं, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी, प्रचार तो बहुत अच्छा चल रहा है कि ममता बनर्जी के 2011 से यहाँ जो पावर में आए हैं बंगाल में, आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ लेफ्ट गवर्नमेंट जो था उसके चेंज करके जो आए हैं, उसके बाद सारा पुरुलिया में थोड़ा जंगल महल में जो इलाका है, पुरुलिया बांकुड़ा मिदनापुर जो इलाका है, यहाँ पर काफ़ी विकास का काम हुआ है। इसलिए आप लोग जानते हैं 2011 साल से पहले ये एरिया माओइस्ट में इफेक्टेड था, माओइस्ट इफेक्टेड। तो ममता बनर्जी आने के बाद जो विकास का काम हुआ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको जो पुलिस में भर्ती किया है, कोई विलेज पुलिस या कोई होमगार्ड या कुछ में ये किया है, उसके बाद जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो भी जो भटक रहे थे वो भी मेन स्ट्रीम में आ गया। आप जानते हैं जो रोड का इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ, जो इतना दिन 50 साल में पहले जो था उससे पहले मतलब 5-7 साल में 2011 के बाद रोड का जो विकास हुआ है, ये पूरा आदमी यहाँ से बहुत खुश है। और जो पुरुलिया में जो हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट में जो जो चीज़ नहीं था, जैसे कि मेडिकल कॉलेज नहीं था, वो भी बन मैंने इस साल से 2019 से पहला बैच शुरू होने वाला है, 100 स्टूडेंट्स भर्ती होगा, अगस्त महीने से मेडिकल कॉलेज चालू होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हो गया, कॉन्वेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो 100 स्टूडेंट्स का जयपुर में स्टार्ट हो गया। जो हम लोग का यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं था, यहाँ के बच्चे लोग को वर्धमान जाना पड़ता या रांची जाना पड़ता था, अभी हम लोग का यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी हो गया। ओवरऑल जो है पीसफुल है और डेवलपमेंट भी हुआ है। इसके मुद्दे हम जहाँ भी जा रहे हैं, या टाउन बोलिए, मेरा क्षेत्र में जो गांव बोलिए, आदमी बहुत खुश है। छोटा मोटा जो आदमी का कोई कहाँ ट्यूबवेल खराब हो गया, या कोई अभी भी जो 3 रास्ता बनने वाला था 2 रास्ता बना, अभी एक भी नहीं हुआ, इसके लिए थोड़ा थोड़ा मोड़ा आदमी का थोड़ा खोब है, लेकिन ओवरऑल जहाँ भी अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा है। जो पुरुलिया लोकसभा सीट है तो कई सारे इलाके हैं जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, तो उनकी अभी भी कई सारी समस्याएं हैं, तो क्या लगता है, मतलब क्या समस्याएं हैं उनकी जो आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे? देखिए, आदिवासी लोग तो बहुत खुश है ममता बंदोपाध्याय, क्योंकि ममता बंदोपाध्याय आदिवासी लोग को बहुत सारा फैसिलिटीज दिया है। उन लोग का जो धर्म स्थान है जहाँ पर लोग पूजा पाशा करते हैं, उन लोग का तो टेम्पल नहीं होता, उन लोग का थोड़ा एक माटी का ये होता है, वो सब ममता बनर्जी पूरा सीमेंटेड कर दिया, सब सीमेंटेड। अच्छा, जो उन लोग का लैंग्वेज है, सांताली लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज को आपको मैंने बढ़ावा दिया, उस लैंग्वेज में टीचर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस लैंग्वेज में बुक्स भी मिल रहा है आदमी मैंने बच्चा लोग का, तो सांताली जो भाषा है उन लोग का, इसके लिए ममता बनर्जी डेवलपमेंट बहुत किया जा रहा है। अगर आप जीत जाते हैं पुरुलिया से तो क्या आपकी प्राथमिकता होगी, किन समस्याओं पर आपका पहला फोकस रहेगा? देखिए, यहाँ पर तो हम लोग मैंने पुरुलिया का तो ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ भी आदमी अभी तक भी मेनली डिपेंडेंट ऑन कल्टीवेशन, तो यहाँ क्या होता है कि अभी भी मैंने जो इरिगेशन का उतना फैसिलिटीज भी अभी नहीं है, लेकिन मैंने पहली बार देखा है कि गांव-गांव में घूम रहे के बाद आफ्टर 72-77 जो कांग्रेस गवर्नमेंट था यहाँ पर बंगाल में, उसके बाद जो कैनल जो थोड़ा थोड़ा डैम है जहाँ पर है, उसके बाद कैनल का कोई काम नहीं हो रहा था। अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट आने के बाद हर गांव में जहाँ भी डैम है वो कैनल का एक्सटेंशन का काम हो रहा है, क्योंकि आदमी खेतीबाड़ी करने से इन लोग का मेन जो यहाँ का रोजगार है 80% आदमी उसी से, कहाँ यहाँ बड़ा फैक्ट्री करने का कुछ इतना जल्दी नहीं होगा, तो मेन जो इरीगेशन फैसिलिटी को और भी डेवलप करना मेरा ये चाहिए। और टाइम में भी टाउन में पानी का जो प्रॉब्लम था वो भी बहुत सारा सुधर गया जायका प्रोजेक्ट के अंदर में। आप अपनी मुख्य लड़ाई जो है वो किससे मान रहे हैं और अपने प्रतिद्वंदी से क्या कहना चाहेंगे? मेरा जो मानना है तो अभी पुरुलिया में भी मेन फाइटिंग बीजेपी से होगा, लेकिन यहाँ पर भी जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो बहुत पुराना उम्मीदवार है, वो MLA भी है, तो उसका अपना लोकल एरिया में भी उसका फील्ड है। और यहाँ जैसे कि यहाँ 35 ईयर्स लेफ्ट फ्रंट यहाँ था पुरुलिया में, तो होल बंगाल में भी था, पुरुलिया में भी था, इसलिए वो भी थोड़ा नेग्लेक्टेड नहीं, वो भी अच्छा वोट मिलेगा उनको, लेकिन मेन फाइट बीजेपी से होगा। तो इसलिए मेरा सुविधा हो गया कि जो फाइटिंग जो है वो मैंने फोर्ट मंत्रा हाँ डिवाइडेड होगा ओपोजिशन का, तो इसलिए थोड़ा जितना और भी हमको लगता है आसान होगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे वोट के लिए? जनता के से मेरा यही है कि पुरुलिया का जो कल्चर है, पुरुलिया का जो इतना दिन से जो संस्कृति है कि यहाँ आदमी लोग शांत टाइप का है, यहाँ कोई वोट के टाइम में या वोट के प्रचार में या कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होता कि मारा मारी इसे कुछ बार कुछ
अनवांटेड इंसिडेंट्स यहाँ नहीं होता है, ये पुरुलिया का बहुत बड़ा ट्रेडिशन है। तो हम यार वोट के पोलिंग डे पे भी यहाँ को जो ट्रेडिशन है, यहाँ कोई बुमाबाजी या कोई अनवांटेड नहीं होता है। हम चाहते हैं कि यह वोट के जो प्रचार के टाइम मैंने वोट के दिन भी यहाँ कोई शांति रहे। हम लोग अपोजिशन में रहते हैं, फाइट करते हैं, लेकिन हम लोग का जो कैंडिडेट है उससे शांति हम लोग का बहुत अच्छा रिश्ता है। यहाँ जो पुरुलिया का जो ट्रेडिशन है, शांति सृष्टि यहाँ वोट होता है, वही ट्रेडिशन बना रहे, इसे हम लोग पुरुलिया के होल मैंने पूरा हम जो यहाँ का जो पॉपुलेशन है, जो हम लोग का वोटर्स है, उससे मेरा यही अपील रहेगा कि आप शांति से वोट दें, कोई लड़ाई झगड़ा में मत जाइए। जो अपना अपना जो बात बोलना है बोलते रहिए अपना बात, गणतंत्र का यही ये है कि आप अपना बात बोले, आदमी को जो आपका जो मुद्दा है आप बोलिए, लेकिन शांति से वोट कीजिए, शांति से प्रचार कीजिए, यही मेरा अपील है। हमने बात की डॉक्टर मृगांक महतो जी से, वे अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त हैं। अब ये इसका फैसला तो 23 मई को ही होगा कि कौन जीता और कौन हारा। कैमरामैन रवि के साथ मैं मधु सिंह, सनमार्ग पुरुलिया।